हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखिए, ये है अपना चैप्टर नंबर 2, सेकंड चैप्टर। और इस सेकंड चैप्टर में से आपके एग्जाम में 2 तो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, 2 आपके आएंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, 1 रिक्त स्थान और 1 आएगा लघुत्रात्मक प्रश्न। तो जिस टाइप से आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से इकाई सेकंड में से इकाई दो मतलब चैप्टर सेकंड और थर्ड दोनों इकाई सेकंड में आते हैं, तो इकाई सेकंड में से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी टाइप का अभ्यास आज अपन करेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में जैसे हमने पिछला जो चैप्टर देखा था उसी टाइप से इसका भी हमने दोनों टाइप के जो दोनों जो आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझना, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इस नहीं शब्द पे ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में आप लोग नहीं को नहीं पढ़ते हो और फिर जल्दी में उताल में हड़बड़ाहट में गलत करके आ जाते हो, 12 के पछतावा होता है। तो ध्यान से समझना है, लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है। नहीं है तो प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो जनसंख्या को दूसरी जगह प्रवास के लिए बाध्य करते हैं। प्रश्न ये है कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इसका मतलब अपकर्ष कारक है। तो देखो, ऑप्शन एक है जलाभाव प्रतिकर्ष है, रोजगारी प्रतिकर्ष है, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं, ये प्रतिकर्ष नहीं है बल्कि ये अपकर्ष कारक है जो जनसंख्या को कहीं बसने के लिए आकर्षित करती है। तो ऑप्शन इसका ग है। और महामारी ये भी प्रतिकर्ष कारक है। तो सही आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ग, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। नेक्स्ट प्रश्न इसी का इंग्लिश मीडियम में देखिए लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेपल्सन एजेंट। तो आप आंसर है वाटर स्केयरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड एपिडेमिक्स। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि लोगों की संख्या यानी जिसे हम जनसंख्या कहते हैं और भूमि के आकार जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं के बीच अनुपात क्या कहलाता है। तो लोगों की संख्या और जो क्षेत्रफल होता है उसके मध्य के आकार को हम जन घनत्व कहते हैं। तो बच्चों जनसंख्या का घनत्व हम इसे कहेंगे जनसंख्या घनत्व, या इसे जन घनत्व भी कहते हैं, जन घनत्व। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन स। अगला देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इट मीन्स पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ लैंड इट मीन्स एरिया इज कॉल्ड इट, जो ये जो होता है बच्चों इसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। अब देखो रिक्त स्थान के प्रश्न कर लेते हैं क्योंकि इसमें से एक रिक्त स्थान का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, हो सकता है आपको इसी में से ही मिल जाएगा। तो प्रश्न ये है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो दूसरे स्थान पर चले गए। तो जो लोग जाते हैं ना उन लोगों को हम अप्रवासी कहते हैं, जिसे इमिग्रेंट कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक रिक्त स्थान होते हैं। तो किसी भी देश का जो धन होता है वो उस देश के नागरिक होते हैं, उस देश के स्त्री और पुरुष होते हैं। तो किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं, उसकी वास्तविक पूंजी होती है। तो आंसर है इसका धन, इट मीन्स मनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न लिखा हुआ है तीसरा कि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या रिक्त स्थान रूप से वितरित है। तो विश्व में जनसंख्या जो है वो असमान रूप से वितरित है, समान नहीं है। किसी देशों में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, कुछ देशों में बहुत ही कम जनसंख्या है। तो असमान रूप से वितरित है, जिसे हम अनइक्वल कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के रिक्त स्थान घटक हैं। तो बच्चों जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं, तीन घटक आपको याद होगा, जन्म मृत्यु और प्रवास, ये संख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं। इंग्लिश में लिखेंगे 3 जो फैक्टर है इसके, तो 3 कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है कि प्रवास स्थाई रिक्त स्थान अथवा रिक्त स्थान हो सकता है। तो प्रवास स्थाई हो सकता है, अस्थाई हो सकता है और मौसमी हो सकता है, मौसम के स्थान हिसाब से लोग प्रवास करते हैं। तो 3 प्रकार का होता है, इंग्लिश में हम कहेंगे इसे टेंपरेरी, सीजनल। ओके, तो जो है वो एक तो परमानेंट होता है, परमानेंट, टेंपरेरी और सीजनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना देखो, अगला क्वेश्चन है 6 कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में है। तो 1.64% वृद्धि दर है।
अब हम करेंगे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, इसे रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है, इसी प्रश्न को अति लघु उत्तरात्मक में भी पूछा जा सकता है, इसे बहुविकल्पात्मक में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रश्न है ना, अगर हम लघु उत्तरात्मक करते हैं तो इससे हमारे बाकी वाले क्वेश्चन कवर होते हैं, और रिक्त स्थान से लघु उत्तरात्मक से ये आपस में एक दूसरे बन सकते हैं। तो देखो प्रश्न यह है कि भाई उसकी वास्तविक पूंजी हम किसे कहते हैं बच्चों। तो देखो जनशक्ति या फिर निवास करने वाले लोग किसी देश का वास्तविक धन होते हैं। इसे आप अलग अलग तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं कि किसी देश के नागरिक ही उस देश के वास्तविक धन हो सकते हैं, कि या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं किसी देश के स्त्री और पुरुष उस देश के वास्तविक धन हो सकते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रियल वेल्थ ऑफ अ कंट्री। तो आंसर है कि मैन पावर और रेजिडेंट पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ अ कंट्री। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ टू कि जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश जो है वो घना बसा हुआ है। तो जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जो है वो घना बसा हुआ है, बना नहीं मतलब यहाँ पे घना बसा हुआ है। इंग्लिश है कि विच इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, कोबे ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है तीसरा कि मृत्यु दर किन कारकों से प्रभावित होती है। तो मृत्यु दर के प्रभावित होने के जो कारक है आप लिखेंगे कि मृत्यु दर प्रमुख रूप से किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। इंग्लिश में है कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द मॉर्टेलिटी रेट। आंसर लिखेंगे कि डेथ रेट इज मैनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एरिया, लेवल ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, चौथा प्रश्न है कि प्रवास से क्या आशा है, प्रवास किसे कहते हैं हम। तो देखो कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह द्वारा अपने निवास स्थान से स्थायी या अस्थायी परिवर्तन करना प्रवास कहलाता है। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह, कुछ ज्यादा व्यक्तियों का एक समूह कभी स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से अपने स्थान को छोड़कर के थोड़े समय के लिए या हमेशा के लिए किसी दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मेंट बाय माइग्रेशन। तो माइग्रेशन मीन्स होता है बच्चों परमानेंट और टेम्परेरी चेंज फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंट बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पांचवा प्रश्न है कि अफ्रीका के एक खनिज क्षेत्र का नाम बताइए जहां घनी जनसंख्या पाई जाती है, बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो वो है कटंगा जाम्बिया तांबा क्षेत्र अफ्रीका का, जहां पे जनसंख्या घनी बसी हुई है। इंग्लिश में है कि नेम अ मिनरल रीजन ऑफ अफ्रीका वेयर डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड। तो लिखेंगे कटंगा जाम्बिया कॉपर फील्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रतिकर्ष कारकों के दो उदाहरण लिखिए। जो प्रतिकर्ष कारक होते हैं जनसंख्या को किसी दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो बाध्य कारक होते हैं आप लिखेंगे, उसमें एक तो बेरोजगारी, दूसरा प्रतिकूल जलवायु, बहुत सारे हैं, उसमें से कोई भी आप दो लिखेंगे। इंग्लिश में लिखना है कि राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिपल्सन फैक्टर्स। तो आप लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड एडवर्स क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रवास का उद्गम स्थान क्या होता है। तो देखो बच्चों कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग जाते हैं, गमन करते हैं किस स्थान को छोड़कर के दूसरी जगह, तो जिस स्थान को छोड़ा जाता है प्रवास का उद्गम स्थान कहलाता है। इंग्लिश में लिखेंगे कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ रीजन ऑफ माइग्रेशन। तो आंसर लिखना है कि द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर पीपल मूव इज कॉल्ड द रीजन ऑफ प्रवास। ठीक है, प्रवास। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रवास का गंतव्य स्थान क्या होता है। तो उद्गम स्थान तो क्या होता है कि जिस स्थान को छोड़ करके जा रहे हैं वो तो हो गया उद्गम, और जिस स्थान पे चले जाते हैं, जो नए स्थान पे गए हैं, वो उसका गंतव्य स्थान कहलाता है। तो आप लिखेंगे कि जिस स्थान पर प्रतिकर्ष कारक पाए जाते हैं उन स्थानों को छोड़ करके लोग अपकर्ष कारक वाले स्थानों की ओर प्रवास करते हैं, ऐसे आप्रवास योग्य स्थल को हम गंतव्य स्थल कहते हैं। इंग्लिश में आप लिखेंगे कि
क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेशन, आंसर लिखना है कि लिविंग असाइड द प्लेसेस वेयर रिपल्सन रिपल्सिव फैक्टर आर फाउंड फैक्टर्स आर फाउंड पीपल माइग्रेट टू प्लेसेस हैविंग रिपल्सिव फैक्टर्स, सच प्लेसेस सुटेबल फॉर माइग्रेशन आर कॉल्ड डेस्टिनेशन प्लेसेस, तो वो गंतव्य स्थान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है बच्चों की जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, तो आंसर लिखना है आपको कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस स्थान पर निवास कर रहे लोगों की संख्या और भूमि के आकार के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किस स्थान बेसिस पर कितने लोग निवास करते हैं उस उन लोगों में उस क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है तो वो जनसंख्या घनत्व निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंग्लिश में कि व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, आप लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन ईच यूनिट ऑफ लैंड टू साइज ऑफ द लैंड इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। बच्चों ये जो अपन क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं इससे पिछला हमने जो टॉपिक किया था उसके भी इसके भी और हमारे आने वाली कल सोचो कि छुट्टी है कल एक्चुअली क्या टाइम नहीं मिल पाता मेरे को जो ड्यूटी करनी पड़ती है तो उसके अलावा तो कल अपना जो छुट्टी का दिन रहेगा ना तो छुट्टी के दिन बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा दोनों किताबों के सारे चैप्टर्स इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट के हिसाब से जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस जिस साइज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके हिसाब से मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल करा दूंगा। और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे व्हाट्सएप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारा जो ऐप है वहां पे मिल जाएगी। नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, नंबर है 9079622989। ठीक है, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, कल वाली भी नहीं शेयर करी थी वो भी आज कर दूंगा और आज वाली पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा और कल जितने कोशिश हो सकेगी मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करा दूंगा क्योंकि परसों तो हमारी जो है वो एग्ज़ाम है और अपनी आज तो लाइव क्लास नहीं रहेगी लेकिन कल जो है वो मैराथन लाइव क्लास रहेगी कल शाम को, इसलिए आप सब लोग रेडी रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां प्रश्न है बच्चों कि भूमध्य सागरीय प्रदेश इतिहास के आरंभिक कालों से क्यों बसे हुए हैं, तो आंसर आपको लिखना है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वो सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप लिखेंगे कि क्वेश्चन ये है कि व्हाई, क्वेश्चन है कि व्हाई हैव द मेडिटेरेनियन रीजंस बीन इनहैबिटेड सिंस द अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री, तो आपको लिखना है कि द मेडिटेरेनियन रीजंस हैव बीन इनहैबिटेड सिंस द अर्ली पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ड्यू टू द प्लेजेंट क्लाइमेट, तो सुखद जो मौसम है वहां का उस कारण से यहाँ पे घनी जनसंख्या बसी हुई है और साथ ही साथ ये जो है वो इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रवास की भूमिका समझाइए, तो इसको आप लिखेंगे कि प्रवास की प्रक्रिया से जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन गंतव्य स्थल और उद्गम स्थल दोनों में होता है, इससे उद्गम स्थल की जनसंख्या घट जाती है जबकि गंतव्य स्थल की जनसंख्या बढ़ जाती है। इंग्लिश में देखो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइग्रेशन इन पॉपुलेशन चेंज, तो आप इसे लिखेंगे कि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन द चेंज इन पॉपुलेशन ऑकर्स इन बोथ द डेस्टिनेशन एंड द ओरिजिन प्लेसेस, आप लिखेंगे ड्यू टू दिस इस कारण से द पॉपुलेशन ऑफ द ओरिजिन साइट इन डिक्रीजेस वाइल द पॉपुलेशन ऑफ द डेस्टिनेशन साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमने किए हैं अभी 11 क्वेश्चंस, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अवेलेबल कराऊंगा लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना बाकी वाले प्रश्न अपन नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन और एक पार्ट इसका काफ़ी लंबा हो जाएगा तो छोटे छोटे दो टुकड़ों में मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा और इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट क्लासें आपकी लगातार चलेगी और कल के पूरे दिन में हम इस जो अपने ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स हैं इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।